Students, I hope you all are doing well. And in this video, I'm going to explain class 9th English lesson number 1, that is the lost child. This story is written by Mulk Raj Anand, and it is a very interesting, fascinating, as well as an emotional story, students. So without any further ado, let's start. Shuru karte hain, students. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. There is a child, एक लड़का, यही lost child, खोया हुआ लड़का. So इसमें बता रहे कि एक child है, एक बच्चा है जो अपने parents के साथ मेले में जाता है. And he is happy and excited. और वो बहुत खुश है, बहुत रोमांचित है. And wants the sweets and toys displayed there. और जो मेले में मिठाइयाँ हैं, जो खिलौने हैं, उनको देखकर वो उनको उसको लेने की इच्छा हो रही है. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके parents उसे उसके लिए नहीं खरीदते हैं. Why then does he refuse when someone else offered them to him? आखिर ऐसा क्यों होता है कि वही चीज़ें जो वो चाह रहा था अपने पेरेंट्स से, वो चीज़ दूसरा कोई ऑफर करता है तो उसको वो लेने से मना कर देता है. सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का पर्व था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. और बिल्कुल उस समय थोड़ा सा ठंडा मौसम था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बसंत के टाइम पर मेला लगा हुआ है, तो उसी में ये बता रहे हैं कि लोग मेले की तरफ जा रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि पतली गलियाँ, सकरी गलियों से लोग निकल रहे हैं. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब स्टूडेंट्स खुश लोग, ठीक है. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े की सवारी. अदर सेट्स बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स एंड फ्यू वर्स ट्रैवलिंग विद द बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे. One little boy ran between his father's legs, beaming over with life and laughter. और एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के साथ जा रहा था और बहुत खुश था वो. मतलब पिताजी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था वो, और बिल्कुल अपने पिताजी के पैरों पे मतलब बैठ के कभी इधर उधर करके, इधर पैरों पे पैर रख के ऐसे करके जा रहा था. बहुत खुश था एक लड़का, बहुत ज़्यादा खुश वो मेले को. दैट बॉय इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग. सो कम चाइल्ड, कम कॉल हिज पेरेंट्स. अब लड़का इधर उधर घूम रहा था, पेरेंट्स के साथ जा रहा था, मेले में बहुत खुश था, तो इधर उधर भटक जा रहा था. तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइड इन द वे. होता क्या है कि लड़का घूमते घूमते पीछे छूट जाता है, पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, रोमांचित, बिल्कुल आकर्षित हो जाता है जो रास्ते में खिलौने की दुकान पड़ती खिलौनों को देख कर. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स की आवाज़ सुन के पेरेंट्स की तरफ जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स, जैसे ही उनकी वो आवाज़ सुनता है बिल्कुल आज्ञाकारी, उसके पैर थे बिल्कुल आज्ञाकारियों की तरह उनकी तरफ जा रहे थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीविंग टॉयस, और पैर तो जा रहे थे माता पिता की तरफ लेकिन आँखें जो थी वो घटते हुए मतलब दूर जाते हुए खिलौनों की तरफ ही उसकी थी. एज ही केम टू वेयर दैट हैड स्टॉप्ड फॉर हिम, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और फिर जब तक वो वहाँ पर पहुँच जाता था जहाँ पर उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं उसके वापस आने का, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. और जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास पहुँचता है तो अपने दिल की इच्छा को वो दबा नहीं पाता है, मतलब उठ वो नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता, बस बोल देता है. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर एंड रिफ्यूजल इन दियर आइज, वो जानता था कि जब भी कुछ कहेगा डेफिनेटली हिज पेरेंट्स वर गोइंग टू रिफ्यूज हिम, उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी वो इस इच्छा को दबा नहीं पाता खिलौनों को देखकर. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है. प्लीड मीन्स स्टूडेंट रिक्वेस्ट करना. सो प्लीड करता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे. और जैसी द वे द बॉय डिमांडेड द टॉय, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, बिल्कुल गुस्से से देखते हैं. इन एंग्री, रेड आइड मीन्स एंग्री होके. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, बिल्कुल जैसे जाना पहचाना क्रूअल तरीका घर में डराते होंगे फादर्स, सेम उसी तरीके से उसके फादर उसको देखते हैं. His mother melted by the free spirit of the day and tender and giving him her finger to hold and said, look child, what is before you? लेकिन आज मदर भी मेले में गई हुई, तो मदर का जो है उसकी जो माँ है उनका मूड बहुत ठीक है, तो वो उस मतलब उसमें वो कहती हैं बच्चे को, बच्चे का उंगली पकड़ती हैं और कहते हुए कहती हैं कि look child, what is before you? मूड को चेंज करते हुए कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्डन एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ यूर लैंड. माँ ने जो बच्चे को दिखाया वो सरसों के खेत थे. ये मेले की तरफ अभी जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मेले के रास्ते में कई दुकानें पड़ी हैं, तो उस दुकानों में ये खिलौने हैं और वहाँ पर देख के लड़का डिमांड कर रहा है, लेकिन तभी मेले में जब आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में क्या है, एक बहुत बड़ा सरसों का खेत है,
तो वही जो मदर है वो दिखा रही है, तो बिल्कुल येलो कलर का, और ऐसा लग रहा है जैसे कि पिघलता हुआ सोना है वो। एंड इट्स स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, और लग रहा था कि वो जो सरसों का खेत है मीलों दूर फैला हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flights of a lone black bee or a butterfly in search of sweetness from the flowers. अब उसी दौरान ड्रैगन फ्लाइज, एक प्रकार के कीड़े पतंगे जो होते हैं वही, वो इधर उधर उनके भड़कीले पर गॉडी पर्पल विंग्स, मतलब भड़कीले बिल्कुल बहुत चमकीले जो होते हैं पर्पल विंग्स, पर्पल कलर के जो उनके पंख हैं ड्रैगन फ्लाइज के, वो सब क्या है कि वो ब्लैक बी बटरफ्लाई ये सब इधर उधर घूम रहे हैं वहाँ पे फ्लावर्स की सर्च में स्वीटनेस के। द चाइल्ड फॉलो दैम इन द एयर विद हिज केज, और लड़का क्या करता है बिल्कुल देखते वो उन सबको बिल्कुल उधर उन्हीं उनकी तरफ आकर्षित होकर उनकी तरफ देखता रहता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तब तक जब तक कि उन्हीं ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज और ब्लैक बी में एक कोई वहाँ पर आराम करने के लिए कहीं बैठ गया, तब तक उसको कैच करने ले गया, तब तक वो उन्हीं की तरफ देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन जैसे ही उनको कैच करने गया उसमें से वो क्या हुआ, दोबारा से उड़कर इधर उधर फ्लैप पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश आसमान में उड़ गए। When he had almost caught it in his hand, जैसे ही जब तक वो पकड़ नहीं गया किसी एक fly को, एक insect को, तब तक वो उड़ चुका था। Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ फिर से बोलती हैं सावधानी वाली आवाज़ में, Come child, come on to the footpath, आओ बेटा आओ पगडंडी पे आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. बिल्कुल पेरेंट्स की तरफ बहुत खुशी खुशी जाता है और उनके साथ साथ चलता है, लेकिन तभी अचानक क्या होता है, फिर वो चीज़ों से अट्रैक्ट होकर फिर उनसे पीछे हो जाता है। किसकी चीज़ों को देखे, लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब क्या होते हैं कि अपने बिल्कुल सनशाइन में बाहर निकल रहे थे, मतलब सूर्य हुआ था मॉर्निंग का समय था तो कहीं से छुपे हुए थे सब वो, तो जैसे ही प्रकाश हो रहा है तो वो सब बाहर निकल रहे, तो उनको देख के कहीं ना कहीं फैसिनेटेड अट्रैक्ट हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दोबारा से देखो स्टूडेंट्स, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम, दोबारा से उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, ग्रोव एक प्रकार का पेड़ है उसके छांव में वो लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर उसके कोई कुआं है उसके एज पे उसके किनारे पे वहाँ पे वो लोग अपने को वो लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो आवाज़ देते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर पेरेंट्स बार बार बच्चे को बुला रहे हैं, बच्चा बार बार कहीं ना कहीं ठहर जा रहा है, एंड द पेरेंट्स आर कॉलिंग टू दैट लिटिल बॉय। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो जाता है पेड़ के पास से, तब तक क्या हुआ है कि जो ग्रोव का पेड़ है वो उस पर से फ्लावर्स कुछ फूल गिरते हैं। Forgetting his parents, he began to gather the running petals in his hands. पेरेंट्स की आवाज़ भी एक तरफ थी और दूसरे तरफ पेड़ जो था उस पर कुछ फूल गिरे थे, तो उन फूलों की तरफ से उसका पेरेंट्स ने जो बुलाया था वो भूल चुका था, उनको जो पेटल्स थे जो फूल थे उनको इकट्ठा करने लग गया। बट लो ही हर्ड द कुइंग्स ऑफ डॉब्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, तभी उसने डॉब्स मतलब पीजन की तरह जंगली कबूतर होते हैं उनकी आवाज़ सुनी और वो उधर अपने पेरेंट्स की तरफ गया शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डव द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब उन पीजेंस को देखते हुए फिर कहता है कि द डव द रनिंग पेटल्स, जो उसने रेनिंग पेटल्स जो गिरे हुए पेटल्स थे पंखुड़ियाँ थी फूलों की वो क्या हुआ उसके हाथों से गिर गई। अब उनको देख के वो एक्साइट हो गया स्टूडेंट्स, कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कीपर्स अराउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। दोबारा से पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम आओ बेटा, एंड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इनटू द वाइल्ड कीपर्स, अब क्या हुआ डब का पीछा करते करते वाइल्ड कीपर्स की तरफ चला गया बनियन ट्री के पास जो था, वहाँ पे जाके फिर वहाँ जाता है, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं उसको बुलाते हैं और उसको फुटपाथ के रास्ते से होते हुए मस्टर्ड जो सरसों का खेत है उधर से होते हुए फुटपाथ का रास्ता लेते हुए वो लोग अब क्या जाते हैं मेले की तरफ जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the world full of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही जहाँ मेला लगा उस गांव तक पहुँचता है तब देखता है कि बहुत सारे फुटपाथ जो हैं अलग अलग जगह की पगडंडियाँ मेले की तरफ आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेले पे आके सभी पगडंडियाँ मिल रही हैं, and felt at once repelled and fascinated by the confusion world he was entering.
और अचानक कभी बिल्कुल रिपेल्ड हो जाता है, अवाक हो जाता है, फैसिनेटेड, अचंभित हो जाता है ये सब देखकर। ओके, अब यहाँ से स्टोरी स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड इस काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ अ कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे ही जब मेले में एंटर कर रहा है स्टूडेंट, तो स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाला जो कि क्या क्या बेच रहा है स्टूडेंट, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज जलेबी। क्या हो रहा है कि उसके बगल में क्या हो रहा है कि वो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बेच रहा है, तो उस मिठाइयों को कई लोग लेने के लिए आए हुए हैं। और उस पर क्या हुआ, उसने कलरफुल स्वीट्स हैं उसके, रंग बिरंगे मिठाइयाँ हैं एंड देन डेकोरेटेड विथ लीव्स एंड सिल्वर एंड गोल्ड, उस पर चांदी की और सोने की परतें चढ़ी हुई हैं। चांदी का जो वर्क होता है लड्डू पे, आपने मिठाइयों पे देखा होगा स्टूडेंट। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आईड एंड इस माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉज फेवरेट स्वीट। लड़का मिठाई को देख के बिल्कुल उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं, मुंह से पानी निकलता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका बर्फी जो था बहुत ही मन पसंदीदा मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए, ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से बोलता है। बट ही हाफ न्यू ही बैग दैट प्लीज वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट वुड स्टे ही वॉज ग्रेडी। बोलता तो है लेकिन विनती करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जानता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको शांत कर देंगे, वो कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो गए हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसलिए बिना किसी जवाब के वो क्या करता है, वो आगे को बढ़ जाता है। वो बिना कुछ जानता है कि उसके पेरेंट्स डेफिनेटली दे विल रिब्यूक हिम, उसको डांट देंगे, तो वो क्या होता है आगे को बढ़ जाता है। अब फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब एक फूल बेचने वाला था, तो गुलमोहर का गार्लैंड, एक जो गुलदस्ता टाइप का होता है, वो उसको बेच रहा था गुलमोहर फूल का। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबली ड्रॉन, उसको देख के चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वो जहाँ पर वो जो फूल बेचने वाला था उसकी टोकरी के पास जाता है जहाँ पर उसने फूल रखे होते हैं, और वो बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, ये माला मुझे चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि फिर से उसके पेरेंट्स उस फूलों की माला को लेने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो बताएंगे कि वो बहुत सस्ते और बेकार हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो वो क्या करता है कि वो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए फिर से वो आगे को बढ़ जाता है। तो पहला स्टूडेंट क्या था, स्वीट मेट सेलर, मिठाई बेचने वाला। दूसरा कौन था, गार्लैंड सेलर, फूलों की माला बेचने वाला। ओके, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर तीसरा व्यक्ति क्या है, एक बलून वाला है जिसने लाल पीले हरे पर्पल कलर के बलून्स उसने अपने डंडे पे लगाए हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्वर कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेज ऑल देम। कहीं ना कहीं उन रंगों को देख के जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, उसके अंदर मन करता है, ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब कि बिल्कुल तीव्र इच्छा होती है उसके अंदर कि वो सारे के सारे जो गुब्बारे हैं वो उसके हो जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय देम विद द बलून बिकॉज दे वुड से ही वुड टू ओल्ड टू प्ले विद द सच टॉय। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा फॉर द बलून्स तो डेफिनेटली दे विल रिफ्यूज बिकॉज दे विल से दैट यू आर टू ओल्ड, अब तुम्हारी बहुत उम्र हो चुकी है, ये बहुत छोटे खिलौने हैं। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, तो फिर दोबारा से अपने मन की इच्छा को दबाते हुए आगे को बढ़ता है। A snake charmer stood saying a flute snake which coiled itself in a basket. फिर अब चौथा कौन आता है, स्नेक चार्मर, सपेरा आता है जो कि फ्लूट से जो सपे अपनी बीन से एक जो बास्केट उसकी टोकरी में जो एक स्नेक बैठा हुआ है उसको वो मतलब बार बार मतलब बीन बजाकर उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। इट्स हैज रेज इन अ ग्रेसफुल बैनर लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और जो स्नेक है उसका बिल्कुल हंस की तरह, जैसे हंस की गर्दन होती है वैसे ही उसकी भी मुंह निकला हुआ है, मुंह उसने निकाला हुआ है। व्हाइल द म्यूजिक इज टोल इन टू द इनविजिबल एयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। कहीं ना कहीं जो म्यूजिक था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे झरना गिरता है, झरने से पानी गिरता है, सेम उसी तरीके की आवाज़ थी। द कान में जैसे जो ना दिखने वाले जो कान थे, जैसे ये बता रहा है कि जो स्नेक है स्टूडेंट्स उसके कान नहीं दिखते, तो ऐसा लग रहा था कि जो बीन की आवाज़ है कहीं ना कहीं जो स्नेक को आकर्षित करिए। द चाइल्ड वेंट टूअर्ड द स्नेक चार्मर, द चाइल्ड है वो दोबारा वो सपेरे के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरवर्डन हिम टू हेयर सच कोर्स बिकॉज द स्नेक चार्मर प्लेड द प्रोसीड फर्दर, लेकिन वो जानता था
कि उसके पेरेंट्स उसको फिर से मना कर देंगे, तो इसी वजह से क्या होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे वो फिर से दोबारा से आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स मैन वुमन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन श्राइक्ड एंड क्राइंग विद डीजिंग लाफ्टर। फिर एक झूला था, एक झूला जो गोल गोल घूम रहा था, उसमें आदमी औरत बच्चे बैठे हुए थे और बिल्कुल गोल घुमावदार घूम रहा था, और उसमें इतना ज़्यादा रोमांस था कि जो लोग बैठे हुए थे काफ़ी हंस रहे थे, काफ़ी चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। चाइल्ड बड़े ही ध्यान से देखता है, फिर एक रिक्वेस्ट करता है, अब बोल देता है साहस करते हुए, आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड बोर्ड प्लीज़ फादर एंड मदर, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ प्लीज़ मम्मी डैडी। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आता। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, दे वर नॉट देयर एड ऑफ हिम, वो लोग वहाँ नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन द अदर साइड, दोबारा दूसरी तरफ देखता है, दे वर नॉट देयर टू, वो लोग उधर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उनका कोई नामो निशान नहीं था, लड़का अब खो चुका है। स्टूडेंट, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन वेयर ही स्टूड। तभी ये सोच के उसकी बॉडी सिसक जाती है, वो जर्क आ जाता है, बिल्कुल ठहर सा जाता है, बिल्कुल चिल्लाता है डर से, मदर फादर टीयर रोज फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स। ये कहते हुए बहुत तेज से अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं उसके, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फेयर, कहीं ना कहीं उसके आंखों में जो आंसू थे वो बिल्कुल साफ साफ देख के लग रहा था कि डरा हुआ है। पैनिक स्ट्राइकन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर ही टर एंड टीटर टू द ऑल डायरेक्शन, डर की वजह से इधर उधर भाग कर देखता रहता है कि वेयर आर हिज पेरेंट्स, नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब नहीं जानता था लड़का कि किधर जाना है। मदर फादर चिल्लाते हुए कहता है, ही वेल सिसक सिसक के, हिज येल्लो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकम मरी, उसका जो पगड़ी था पीले रंग का वो गिर जाता है, वो बिखर जाता है, और साथ ही साथ उसके जो कपड़े थे वो मडी बिल्कुल मैले हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he still defeated his cries suppressed into the sob. इधर उधर भागते हुए बिल्कुल बाद में क्या होता है, हार जाता है, थक के बिल्कुल खड़ा हो जाता है, और फिर क्या होता है जो उसकी जो रोना था वो सिसकियों में बदल जाता है। At little distance on the green grass he could see, थोड़ी ही दूर पे हरे घासों में वो देख सकता था, through his filmy eyes man and woman talking, एक औरत और एक आदमी, कुछ आदमी और औरत बात कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of the bright yellow cloth, उन येल्लो कलर के जो लोग बातें कर रहे थे उन्होंने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे, बसंत का फेस्टिवल था तो कोई ट्रेडिशन होगा स्टूडेंट, तो उनकी तरफ बड़े ही ध्यान से देखता है कि कहीं इसमें मेरे मदर फादर तो नहीं है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज मदर अमंग फादर अमंग दिस पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मदर फादर का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। हु सीम टू लाफ एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लाफिंग एंड टॉकिंग, जितने भी लोग थे वहाँ सिर्फ बातें कर रहे थे और सिर्फ हंस रहे थे। He ran quickly again this time to shrine to watch people seems to be grounding. अब दोबारा से एक और जगह जाता है जहाँ पे लोग क्या होता है कि भीड़ इकट्ठा होती है। Every little space was congested with men. वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हर एक छोटा सा छोटा जो स्पेस था ऐसा लग रहा था लोगों ने घेर लिया है। But he ran through the people's leg. लेकिन लोगों के पैर से होते हुए सिसकते सिसकते चिल्लाते हुए कहता है, मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और वहाँ से लोगों से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउएवर द क्राउड बिकम